दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों नए साल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बहुत से क्रिकेटर सेम गलतियों को दोहराते हुए चले आते हैं जो पिछले कई सालों से करते हुए आ रहे हैं, और लास्ट में यही बोलते हैं कि इस साल भी कुछ नहीं हो पाया, इस साल भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया और एक साल फिर से मैं वहीं पर रह गया। तो ये गलती आपको नहीं करनी, और मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो साल के एंड में आप देखिएगा एक नेक्स्ट लेवल के प्लेयर आप बन चुके होंगे और खुद के अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आपके अंदर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्रिकेटर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इम्पैक्टफुल वीडियो होने वाला है ये। दोस्तों सबसे पहला चीज़ आपको करना है एनालाइज। जितने भी आप मैच खेल के आते होंगे, क्रिकेट एकेडमी की मैच, कोई लीग की मैच, डिस्ट्रिक्ट के टूर्नामेंट, एंड ऑफ दी कोई भी मैच आप खेल के आते हैं, आपको उस मैच का पूरा एनालाइज अपने कॉपी में लिखना होगा। आपने कितने बॉल को फेस किया, कितने रन बनाए आपने, और मैच का डेट लिखना, किस डेट को आपने मैच खेला, कितने चौके, कितने छक्के, कितने स्ट्राइक रेट से खेला आपने। ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होना होगा। और आपकी चीज़ ये एक अंदर और होनी चाहिए, नॉट आउट। आप भले ही पिछले मैच में 70 रन बनाए थे आउट होंगे, इस मैच में भले आप 60-65 रन ही बनाते हैं, लेकिन आपको आउट नहीं होना है, आउट नहीं होना है। ये आपके दिमाग में फीड होना चाहिए कि मुझे आउट नहीं होना है। ये चीज़ आपको एक अलग लेवल का प्लेयर बना के देगा। दोस्तों बहुत से प्लेयर जब टीम उनकी दबाव में होती है, मान लीजिए 70 पे 5 विकेट गिर गए, टीम को 150 रन चाहिए, वहाँ पे वो भी आउट होके चले आते हैं। आपको ये गलती नहीं करना है, वही तो टाइम होता है अपने आपको दिखाने का, कोच की नज़र में, अपने प्लेयर्स, अपने क्रिकेट टीममेट्स के, अपने टीममेट्स की नज़र में आने का, वही तो टाइम होता है टीम को जिताने का, दबाव से निकालने का। फिर चाहे हम लोग को मैच हो, याद हो विराट कोहली ने कैसे परफॉर्मेंस किया था पाकिस्तान के खिलाफ T20 विश्व कप में, मेलबर्न में पूरे लाखों फैंस थे, वहाँ पे लाखों दर्शकों के बीच में एक बहुत ही नर्वस मैच में विराट कोहली ने टीम को जिताया था अकेले दम पे। तो वो चीज़ आपके अंदर होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए आखिरी तक लड़े और आखिरी तक खड़े होने का और टीम को जिताने का, हार ना मानने का। तभी आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, तभी आप अपनी टीम को और अपने लिए एक अच्छा स्कोर खड़ा करेंगे, तभी आपके लिए आगे के सिलेक्टर आपके बारे में सोचेंगे कि हाँ इस प्लेयर के अंदर कुछ तो वो बात है। बस वही बात आपको अपने अंदर लाना होगा, अच्छे परफॉर्मेंस करने होंगे, कंसिस्टेंसी के साथ हार्डवर्क करते रहिए, पेशेंस रखिए और परफॉर्मेंस करते जाइए, आपके सिलेक्शन भी होंगे, हर वो चीज़ें होंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। बस आपको तीन चीज़ों पे ध्यान रखना है, हार्डवर्क, पेशेंस एंड परफॉर्मेंस। आगे बढ़ते जाइए दोस्तों, अपने एनालाइज करते जाइए, जो भी आप मैच खेल के आते हैं पूरा एनालाइज करिए अच्छे से, उस गलतियों को दोहराना नहीं है, नेट में दोबारा जाइए, अच्छा परफॉर्मेंस करिए और एक बार फिर से टीम को जिता के अपने आप को अच्छा साबित करिए हर जगह, टीम कहीं भी दबाव में वहाँ पे आपको अच्छा खेलना होगा। चलिए दोस्तों हम यही उम्मीद करेंगे कि यह साल आपके लिए सबसे बेहतरीन साल हो। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही नॉलेजबल, इंफॉर्मेटिव और क्रिकेट राज के अपडेट भी मिलते रहेंगे इस चैनल पे।